तुम लोग तो विवान पे हथगोले फेंकने गए थे ना? हाँ राजा, अरे गए तो थे हम हथगोले फेंकने, लेकिन उस बालवीर ने, उस गंदी नारी के कीड़े ने हमें ही रानी में फेंक दिया। पर भरानी, एक बहुत अजीब सी बात हुई, उस बालवीर ने ना हम दोनों को पहचाने ही नहीं। हाँ। हमें बोला, भैया आप जानते हैं हम कौन हैं, हम कौन हैं, और खुद को भी नहीं पहचान रहा था। हाँ, और कौन तिमनासा बोल रहा था? कौन तिमनासा? हाँ। और भैरानी, ऐसा लग रहा था उसकी हरकतों से जैसे उसकी याददाश्त चली गई हो। क्या कहा तुमने? याददाश्त, याददाश्त चली गई है। क्यों तबा तबा? अब कौन सा नया दाव खेल रहा है बालवीर, और क्यों? अरे खुशी, और ला और ला। ये लो दादा जी, ये पीना पड़ेगा अभी तुम्हें। हाँ, दोबारा पी लो। चलो मम्मी, आप ये पिलाओ, मैं एक और ग्लास लेके आती हूं। हां ये ले, बनाई कार्ड। हाँ। जल्दी फटाफट ले बेटा। नहीं नहीं, मैं ऑलरेडी 6 ग्लास पी चुका हूं और नहीं पी। अरे तो तुम गिन क्यों रहे हो? अरे बेटा ग्लूकोज है, ऑरेंज फ्लेवर पीने से ताकत आएगी। चलो पियो 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 पियो। ऐसी तो एनर्जी मिलेगी, पूरा पी लो। चलो 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 पी लो। गुड बाय गुड बाय। चलो फिनिश, दूसरा आ रहा है, चलो जल्दी करो। ये ले लो, ये ले लो, फ्रूट्स आ गए हैं। विवान, विवान, विवान। हाँ मम्मी। कहाँ खोया है? बाहर आ जल्दी, बात करनी है तुझसे। हाँ आया। हाँ ये लो फ्रूट्स, सेब। बोलिए मम्मी। अरे विवान, इतनी देर से टेस्ट किए, ये पकड़ो बेटा, ये पकड़ो। इतनी देर से पूछ रही हूँ विवान, कहाँ है देवों की दवाइयाँ? कौन सी दवाइयाँ? अरे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर तेरे साथ मिली होंगी ना? हाँ वो दवाइयाँ ना। अब खिलाओ, मैं लेकर आता हूँ दवाइयाँ। हाँ लेकर आ। हाँ ऑरेंज। भैया को तो मैं हॉस्पिटल लेकर ही नहीं गया था, अब जादू की ही पुड़िया बांधनी पड़ेगी। अरे बेटा पी लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज पियोगे तो ताकत आएगी, ताकत आएगी तो फ्रूट खा पाओगे। चलो कहाँ है दवाई लाना? हाँ दवाई है ना। ओ इधर ही रखी थी मैंने। हाँ ये रही, ये लीजिए मम्मी। अभी ये लो। हाँ, लेकिन खाली पेट कैसे खाएगा? मैं देवू के लिए पोहा बना कर लेकर आती हूँ। और मैं भी अपने देवू भैया के लिए सैंडविच बना कर लाती हूँ, ठीक है? ओहो तू तो मेरा पोता है, तो मैं तेरे लिए खीर बना के लाता हूँ, एकदम पौष्टिक। अरे माने में वाह वाह वाह, क्या बात। खीर में काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश सब डालूंगा। पहले ऑरेंज पियो, बाद में खाना, बहुत पौष्टिक होता है। बालवीर चाहे कोई भी चाल चलने की क्यों ना सोच रहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बार तो मैं पूरी धरती को ही तबाह कर दूं। पूरी धरती को? एक अकेले विवान को मारने के लिए पूरी पृथ्वी को तबाह करने की क्या जरूरत है? जरूरत है भैमार, जरूरत है। जब धरती ही नहीं बचेगी तो बालवीर कैसे पैदा होंगे? तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। फिलहाल मेरा असली मकसद तो उस अनजान शक्ति को खत्म करना है जिसके बारे में सर्वकाल ने मुझे चेतावनी दी है। ख्याल तो अच्छा है तिमनासा, लेकिन इतनी बड़ी पृथ्वी को खत्म करने के लिए तुम कौन सा हथियार इस्तेमाल करोगे? मजे की बात तो यह है भैमार कि इस बार धरती को खत्म करने के लिए काल लोक वाले किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नाली में हम गिरे थे, लेकिन कीड़े इसके दिमाग में गिरे। देखते देखते बिना काल लोक की ताकत और हथियार के
पृथ्वी को खत्म करेंगे कैसे? है एक तरीका, और इस तरीके में खुद धरतीवासी हमारे काम आएंगे। आ गई दादाजी की स्पेशल खीर, क्योंकि इसमें काजू बादाम पिस्ता किशमिश सब पड़ा हुआ है, खाओ। अरे दादाजी रुकिए ना, ये खाओ ये। अरे क्या हुआ? जैसे लोगों की प्यार से दिल भर आता है, उसी तरह आप सबके प्यार से मेरा पेट भर गया। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन एक ग्लास चीज खानी पड़ेगी। क्या? दवाई? दवाई? हाँ, दवाई खा लो, उसके बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं खिलाएंगे तुम्हें, पक्का। कुछ नहीं ना? हाँ हाँ, पक्का पक्का, ये लो। अरे ऐसे ही खा ले? दवाई निगलने के बदले चबा गए, कड़वी नहीं लगी? हाँ गोली तो मीठी थी, जैसे वो 7 ग्लास पिया ना, वो ग्लूकोज। हाँ ग्लूकोज, ग्लूकोज जैसे। ये कैसी गोली है विवान? हाँ ये कैसी गोलियां है, पर्ची दिखा जरा। पर्ची ना वो रूम में। हाँ मैं लेकर आता हूँ। अभी खबर मिली है कि न्यूक्लियर साइट से भारी मात्रा में यूरेनियम की चोरी हो गई है। इसकी मात्रा इतनी अधिक है कि पूरी धरती को तहस नहस किया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसीज अभी भी इस बात की जांच कर रही है, लेकिन इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है कि इस चोरी के पीछे किसका हाथ है। हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए किया जा सकता है। अगर ये चोरी हुआ यूरेनियम किसी गलत हाथों में आता है तो लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में आ सकती है। आखिर ये कर कौन सकता है? तिमनासा? क्या कहा आपने? क्या कहा? आप बताओ क्या कहा आपने? तिमनासा। तिमनासा? मतलब आपको सब कुछ याद आ गया है ना? मुझे तो सिर्फ यही एक नाम याद है, वो 2 भैया आए थे ना, वो भी बार बार यही नाम ले रहे थे। वो अच्छा ठीक है। क्यों, क्या हुआ छोटे भाई? कुछ नहीं, और आप उन दोनों चोकरों को भूल जाओ और तिमनासा को भी, और उनकी बातों में ध्यान मत देना। भूल जाओ। वैसे ही एक्सीडेंट के बाद सब कुछ भूल चुका हूँ, इन दोनों को भूलना कौन सी बड़ी बात है। तू पर्ची लेने गया नहीं अभी? कहाँ है पर्ची, दे ना। हाँ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, लेने ही जा रहा हूँ। ऐसे अनजाने में ही सही, देवू भैया ने अंदाजा तो सही लगाया है। इस यूरेनियम की चोरी के पीछे जरूर तिमनासा का हाथ हो सकता है। लेकिन तिमनासा को धरती से यूरेनियम धातु चोरी करने की जरूरत क्या थी? हाँ और वैसे भी हमने तो जाकर वो जगह जांच ली है, जिस जगह से वो यूरेनियम धातु चोरी हुआ है वहाँ पर तिमनासा या काल्लोक के लोग इनमें से कोई भी नहीं गया था। यही तो स्मार्टेस्ट दिखाई है उस विलेन आंटी ने, चोरी भी कर ली और उस पे इल्जाम भी नहीं लगा। विवान का अंदेशा सही है परियों, इस यूरेनियम धातु की चोरी के पीछे तिमनासा की ही चाल है। लेकिन ये यूरेनियम धातु चोरी करके तिमनासा करना क्या चाहती है? यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बनाई जा सकती है, और तो और यूरेनियम से परमाणु बॉम्ब भी बनाया जा सकता है। हमें कल ही साइंस की क्लास में पढ़ाया गया था, परमाणु बम इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि जहां भी इसका विस्फोट किया जाएगा वहां के इंसान, पेड़ पौधे, पक्षी सब कुछ एक पल में नष्ट हो जाएंगे।
अगर ये बात है शौर्य तो हमें तुरंत ही तिमनासा को ढूंढकर रोकना होगा। लेकिन कैसे? तिमनासा ने यूडेडियम धातु चोरी करने के लिए कोई जादू का इस्तेमाल किया ही नहीं, तो फिर तिमनासा का सुराग कैसे मिलेगा? अगर भैया हमारे साथ होते तो हमें तिमनासा को ढूंढने में मुश्किल नहीं होती, क्योंकि भैया को तिमनासा की जलेबी जैसी टेढ़ी सोच की हर एक नस पता है। वैसे विवान, बालवीर, मेरा मतलब देव कैसा है? अच्छे हैं, मम्मी और दादाजी उनका ध्यान रख रहे हैं। हॉस्पिटल की पर्ची लेने गया है या कोई खजाना? विवान, अपने रूम में जा रहा हूँ बोलकर कहाँ गायब हो गया? ये लड़का मुझे परेशान करके छोड़ेगा। भैया को जबरदस्ती पोहा, खीर, सैंडविच। गुजरी बात और बीते बालवीर को याद करने से कोई फायदा नहीं है। इस वक्त हमारे सामने जो मुसीबत है, हमें उसे सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए। हमें किसी भी हाल में तिमनासा को परमाणु बम बनाने से रोकना होगा। लेकिन शौर्य, तिमनासा को रोकने से पहले हमें उसे ढूंढना होगा, और वो तभी मुमकिन होगा जब वो धरती पर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करे। लेकिन कहीं उसे ढूंढने से पहले तिमनासा ने अपनी जादुई शक्ति से वो परमाणु बम बना ली तो? फिक्र मत करो आईबरी, परमाणु बम जादू से नहीं, साइंस से बनेगा। यस, मिल गया आइडिया तिमनासा को ढूंढने का। अगर हम नागिन को नहीं ढूंढ पा रहे तो हमें दूध की कटोरी पर नजर रखनी चाहिए। मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो विवान? यही कि तिमनासा को अगर परमाणु बम बनाना है तो ऐसे किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट, मेरा मतलब कि परमाणु वैज्ञानिक की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमें धरती के हर न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर नजर रखनी चाहिए। और जैसे ही तिमनासा किसी वैज्ञानिक से संपर्क करेगी, हमें तिमनासा का ठिकाना पता चल जाएगा। खुशी, खुशी। हाँ मम्मी। तूने विवान को देखा है कहीं? नहीं मम्मी। हाँ चला गया ये लड़का। पापा जी, आपने विवान को कहीं देखा है क्या? पर नहीं बहू, मैं तो टिफिन का हिसाब कर रहा था। ये लड़का भी ना, पता नहीं कहाँ चले गए हैं ये दोनों। मम्मी, देवू भैया से पूछे, शायद उन्होंने देखा हो। पर देवू भी तो घर पे नहीं है, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गए दोनों। दोनों शायद टहलने गए होंगे। पापा जी, लेकिन अभी अभी देवू हॉस्पिटल से आया है, वो ऐसे टहलने कैसे जा सकता है? हाँ, वो भी है। देखना पड़ेगा मुझे बाहर जाके, कहीं विवान न लेकर गया हो उसे। चलो बेटा, हम भी कॉलोनी में जाकर ढूंढते हैं। हाँ। टीटू गोलगप्पे वाला, फूल वाला, खिलौने वाला। माफ करना भाई साहब। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे दीप भैया ने मुझे पहचाना क्यों नहीं? अरे तो कुछ लगा है क्या? कुछ भी तो नहीं है। तो फिर देव भैया ने मुझे भाई साहब बोल के गेट से डर अंकल क्यों बना दिया? कुछ तो चक्कर है। माफ करिएगा भाई साहब। ये देव भैया भारत नगर में ही रहते हैं ना, तो आज ये टूरिस्ट की तरह इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। बालवीर, दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, वो मेरी वजह से। माफ कर दो।
I'm sorry, दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए. इस नाटक को समझने का वक्त नहीं है मेरे पास. मुझे तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए. देव भैया को क्या गया? देव भैया, आप ठीक तो हो ना? मैं तो एकदम फाइन हूँ. आप कैसे भाई साहब? भाई साहब, अरे देव भैया, मैं आपसे छोटा हूँ, आप मुझे भाई साहब क्यों बोल रहे हो? अरे दीदी, दीदी कहाँ चली गई? ये तो लगता है दीदी के पेपर्स. दीदी, पेपर्स तो लेते जाइए दीदी. अरे देव भैया सुनो तो, लगता है इनका दिमाग आउट ऑफ सर्विस हो गया है. विवान को बताना पड़ेगा. परियों, अब हमें पूरी धरती पर नजर दौड़ानी है और दो बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है. कौन सी दो बातें? पहली बात तो ये कि यूरेनियम रेडियो एक्टिव होता है, वो अंधेरे में चमकता है, और अगर कहीं भी यूरेनियम की रेडिएशन यानी कि किरणें जरूरत से ज्यादा मात्रा में दिखाई देती है, इसका मतलब तिमनासा वही है. हाँ, और दूसरी बात? और दूसरी बात ये कि अगर धरती का कोई भी न्यूक्लियर सेंटर गायब होता है, तो इसका मतलब तिमनासा तक पहुंचने का सुराग वही साइंटिस्ट है, क्योंकि तिमनासा बिना साइंटिस्ट के बॉम्ब नहीं बना सकती. क्या हुआ? मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? तुम्हारे चेहरे पर बालवीर वाली चमक आ गई है. बालवीर भी इसी तरह हमारी अगवाही करता था. मैंने जो भी सीखा भैया से ही सीखा है. परी हूँ, अब चलो तिमनासा को अपने बिल से बाहर निकाल लें. मैं बाकी परियों को भी सूचित करती हूँ. विवान. हाँ परियो, यहाँ रूस में तो कोई भी हलचल का पता नहीं चल रहा है. हाँ विवान, यूरोपीय महाद्वीप में भी सब कुछ शांत दिखाई दे रहा है. लेकिन परियो, मुझे एक बातचीत सुनाई दे रही है, किसी आई विटनेस और पुलिस के बीच हो रही फोन पर बातचीत. मैं ये आवाज आपको भी भेज रहा हूँ, सुनिए. इंस्पेक्टर साहब, मेरी कंप्लेन लिखिए प्लीज. मैंने अभी अभी तीन लोगों को मिस्टर तुषार भाटिया का किडनैप करते हुए देखा है. कौन तुषार भाटिया? तुषार भाटिया इंडिया के फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं. परियों, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है. तुषार भाटिया दिल्ली में रहते हैं. फिर तो हमें फौरन दिल्ली जाना चाहिए विवान. नहीं परियों, दिल्ली नहीं, मुंबई. क्योंकि तिमनासा ना तो सीधे रास्ते पर चलती है और ना ही सीधा सोचती है. उसकी जलेबी जैसी टेढ़ी सोच है. मुंबई आइए, मैं बताता हूँ. लो तिमनासा, जैसा तुमने बोला था हो गया. कर लिया अगवा इस वैज्ञानिक को दिल्ली से. हाँ भैरानी, और इस डिब्बे में सारा सामान भी रखा है जिससे हम वो बना सकते हैं, बॉम्ब. शाबाश. हाँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि आप इस गोदाम के लिए किराया क्यों देना चाहती? आप चाहे तो जबरन इस पे कब्जा जमा सकती है, जैसे आप काल लोग पर जमा के बैठी है. नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ. मैं तो बेवकूफ कहीं के. मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैं जादू का इस्तेमाल करती तो शौर्य और विवान को एक खबर लग जाती, और वो हमारे लिए ठीक नहीं था.
लेकिन मैंने इस गोदाम के मकान मालिक के साथ समझौते के कागज बनवा लिए, अब किसी को शक नहीं होगा और हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से पूरा होगा। ये रहे कागज। अरे लगता है आप किराएदार के समझौते वाले कागज कहीं भूल आई। कहाँ है कागज? इसके पीछे भी आपकी कोई चाल है या फिर? रास्ते में बालवीर से टकराई थी, कहीं ये कागज उसके पास ही तो नहीं है। अरे भैया आपको पता है एड्रेस का है? आपको पता है तो बताइए वरना मैं खुद पता कर लूंगा। अच्छा ये वाला? हाँ हाँ यहाँ तो है। यही है? हाँ। थैंक यू। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए इससे पहले कि बालवीर यहाँ आ जाए। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए इससे पहले कि बालवीर यहाँ आ जाए। क्या हुआ तिमनासा? पहली बार तो मैं बालवीर से ऐसे घबराते हुए देख रहा हूँ। बात क्या है? सवाल जवाब का वक्त नहीं है भैमार। हमें यहाँ से निकलना चाहिए तुरंत। लेके चलो इस वैज्ञानिक को, इस यूडेडियम को। अरे इतनी भी क्या चल दी है भैरानी? अब तो मेरे और जबदाली के पास भी जादुई शक्तियाँ चुटकी बजा के गायब हो जाते यहाँ से। चलो चलो। कहा ना यहाँ जादू इस्तेमाल नहीं करना। चुप जाओ। दीदी 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 कहाँ हैं आप? कोई है? किसी भी तरह से मेरी योजना सफल नहीं होनी चाहिए। दीदी दीदी हमें पीछे के दरवाजे से निकलना चाहिए। दीदी कहाँ हैं आप? मैंने आपको पकड़ लिया। विवान तुमने हमें अभी तक नहीं बताया, वो परमाणु वैज्ञानिक तुषार भाटिया दिल्ली से अगवा किया गया है, फिर तुमने हमें यहाँ मुंबई में क्यों बुलाया? क्योंकि तिमनासा चाहती है कि हम आपसे ही पूछ कर पूछा करने में टाइम वेस्ट कर। तुम कहना क्या चाहते हो विवान? यही कि मुझे तो आवाज सुनाई दी थी, वो तिमनासा ने मुझे सुनाई थी, क्योंकि वो चाहती है कि हम लोग दिल्ली में भटके रहे जबकि मुंबई में यूरेडियम की रेडियो एक्टिव रेस बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में निकल रही है। और जहाँ वो यूरेडियम है वहीं पर उसने उस वैज्ञानिक को छुपा कर रखा होगा। विवान! अरे अच्छा हुआ आप दोनों भी मुझे यहीं मिल गए। मुझे आपके प्यारे भाई देव के बारे में कुछ बताना था। क्या? आज ना मैं देव भैया बाजार में दिखे थे, उनके सामने से एक लड़की आ रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, वो मेरी वजह से। माफ कर दो। और मुझे लगता है वो पेपर वापस करने उसी एड्रेस पे गए होंगे
जो एग्रीमेंट के ऊपर लिखा हुआ था। ध्यान से सोच गोपू और बता कि उस एग्रीमेंट पर क्या एड्रेस लिखा था। अरे मैंने सुबह नाश्ते में क्या खाया वो मुझे याद नहीं, तो एड्रेस क्या याद रहेगा। गोपू ये मजाक करने का वक्त नहीं है, दिमाग पर जोर डाल और सोच कि उस एग्रीमेंट पर क्या एड्रेस लिखा था। अरे ओके ओके यार, तू गुस्सा मत कर, मैं सोचता हूँ ना। सोच। मालवानी वेयरहाउस नंबर 5। याद आया। क्या? मालवानी वेयरहाउस नंबर 5। नहीं 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 नहीं, मालवानी वेयरहाउस नंबर 6। नहीं 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 नहीं, गोपू पवी है, पवी है पक्का। अरे पक्का पक्का, उस पर ट्रस्ट कर यार। मैं देवू भैया को ढूंढ। अरे क्या हुआ? ये देवू भैया कब से बन गए और क्यों बने? लॉन्ग स्टोरी है, मैं तुझे बाद में बताता हूँ, फिलहाल तू घर जा। अरे लेकिन घर जा, मैंने बोला ना। विवान तुम्हें याद है ना शौर्य ने क्या कहा है, हम हमारे अंगत रिश्तों को सच्चाई के बीच नहीं ला सकते। याद है मस्ती परी, लेकिन भैया की याददाश्त चली गई है और उनकी पास शक्ति भी नहीं है, इसलिए मैं उनको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन विवान प्लीज वायु पर, घर पे मम्मी भी उनको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही होगी, पहले मैं देवू भैया को ढूंढ के उन्हें घर वापस छोड़ दूं, फिर आप लोगों के साथ तिमनासा को ढूंढने आऊंगा। मैं जानती हूँ गिरपड़े जी, 24 घंटे से पहले गुमशुदा रिपोर्ट नहीं लिखवाई जा सकती, लेकिन मैं आपसे पुलिस वाले की हैसियत से नहीं, एक एक पड़ोसी की हैसियत से मदद मांग रही हूँ। आप लिखवाइए ना रिपोर्ट। हाँ ढूंढिए ना मेरे विवान को, पता नहीं कहाँ। एक मिनट गोपू, गोपू बेटा तूने विवान को देखा कहीं? हाँ आंटी, मैंने उसे सुबह सुबह मार्केट में देखा था देव भैया को ढूंढते हुए। मतलब तूने विवान और देवू दोनों को एक साथ देखा था? अरे कोई मुझे बताएगा ये देव भैया देवू कैसे बन गए? अरे बोलो नहीं, सुनो वो बहुत लंबी कहानी है, अभी टाइम नहीं है। तो मुझे बता तूने दोनों को कौन सी मार्केट में देखा था? नटराज मार्केट में। नटराज मार्केट? लेकिन अभी विवान देव भैया को ढूंढने मालवानी वेयरहाउस नंबर 5 के अंदर गया है। वेयरहाउस नंबर 5? अच्छा ठीक है, थैंक यू। अरे करुणा आंटी, कोई मुझे बताएगा ये देव भैया देवू कैसे बन गए? वैसे अपने ऐसे अजीब कपड़े क्यों पहने? आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रही है? वैसे मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, आपके पेपर्स लौटाने थे, फिर इस पे एड्रेस देख के मैं यहाँ तक पहुंच गया। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अरे आप दोनों तो वही भैया है ना जो उस दिन नाली में गिर गए थे, नाली के कीड़े ने काटा तो नहीं ना आपको? वैसे तिमनासा कौन है? आप बार बार उसका नाम ले रहे थे, कौन है वो? मालूम नहीं। ये तो मैं पहचान क्यों नहीं रहा है, कहीं जबदाली सही तो नहीं कह रहा था कि इसकी याददाश्त चली गई है? क्या हो सकता है इसका कोई नया पैतरा हो? फिलहाल तुम ये सब कुछ मत सोचो बहमार, बस जितनी जल्दी हो सके परमाणु बनाने का सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। क्या हुआ बताइए ना, छोटे मियाँ बड़े मियाँ? अरे आप कौन है अंकल, आपका नाम क्या है? बचाओ। अरे बड़े प्यार से ले जा रहे थे आप इस बॉक्स को, कुछ इंपॉर्टेंट है क्या इसमें? बचाओ बचाओ बचाओ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग, वापस इनके मुंह में रुमाल क्यों डाल दिया?
या फिर कोई और बात तो नहीं है? सच सच बताइए वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक बालवीर। अब ये नाटक बंद करो बालवीर। बालवीर? कौन बालवीर? ये दोनों भैया भी मुझे बालवार बालवीर बालवीर करके बुला रहे थे। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम देबू है और मेरी याददाश्त जा चुकी है। तुम ऐसे नहीं मारोगे ना? लगता है मुझे ही तुम्हारे इस नाटक पर पर्दा गिराना पड़ेगा। दीदी नहीं नहीं, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं दीदी, उसे नफरत के अलावा और कोई भाषा नहीं समझ आती। अरे विवान, तुम्हें आपका पता कैसे मिला? आप लापता हो गए थे इसलिए पता लगाते हुए मैं इस पति पर आ गया। वैसे इतना टाइट कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? गर्मी नहीं लगती? और सुसु कहां से करते हो? गर्मी तो होती है लेकिन जोश की गर्मी, बुराई को खत्म करने की गर्मी। और सुसु भी आती है लेकिन मुझे नहीं, मेरे दुश्मनों को। एक आ गया। घोपड़ी मोड़ दी। देख क्या रहे हो तुम लोग? एक बच्चे के हाथों हारोगे? हमला करो इसके ऊपर। अरे वाह, आपके हाथों से तो जादू निकलता है। नहीं 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 नहीं, सॉरी दीदी, सॉरी। भैया एक मिनट भैया। बिना पावर के भी भैया इन लोगों की बैटरी डाउन कर रहे हैं। अरे भैया मैंने आपको बोला था ना एक मिनट रुको, फिर भी आप नहीं रुके। अरे छोटे भैया, आपके तो दोनों हाथों से लेजर निकलती है। वाव, मुझे परियों को भी बुला लेना चाहिए। आया था भैया को रूप में लेकिन मिल गई तिमनासा। मस्ती परी, भाभी परी, आप जहाँ कहीं भी हो चल 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 मालवनी के वेयर हाउस नंबर 5 में आ जाइए। तिमनासा यही है। लगता है बचपन में बहुत चीटिंग करती थी। बच्चे की आंखें बंद थी तब आपने वार किया। शेम शेम।
देव तुम ठीक हो? देव उठो, देव। भैया आगे खोलो। देव उठो, देव, देव। भैया आगे खोली। विवान, विवान, विवान। मुझे लगता है हम सबको मिलकर देव को प्राण ज्योत देनी चाहिए। हाँ। विवान, विवान। ये तो मम्मी की आवाज है। उन्हें कैसे पता कि हम लोग क्या हैं? सारू, उस कॉपू ने अपना मुंह खोला होगा। परियों, मैंने मम्मी को बताया कि आप सब अपनी माँ से मिलने शहर से बाहर गए, पर इस वक्त आप लोगों को मम्मी के सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन विवान, हम देव को अकेला छोड़कर कैसे जाएं? मैं बाद में इन्हें प्राण शक्ति देकर ठीक कर दूंगा, लेकिन इस वक्त आपका जाना जरूरी है। अगर मम्मी ने आप सब लोगों को देख लिया तो हम उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। विवान, एक और बात, फिलहाल हम इनको देव नहीं, इनको देवू करके बुलाते हैं। ऐसा क्यों? विवान, ये सब समझाने का वक्त नहीं है, जल्दी आप लोग जाइए। लगता है मम्मी बात पास आ गई है। तुम सब संभाल लेना। विवान, विवान तू ठीक तो है ना बेटा? देवू, देवू यहाँ जमीन पे क्यों पड़ा है? देवू, क्या हुआ इसे? मुझे भी नहीं पता मम्मी, मैं जब यहाँ आया तब मुझे देवू भी ऐसी हालत में बेहोश मिले थे। देवू, कहीं देवू का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? हाँ, तू बाहर रे, तू बाहर इसे मार। क्या मारूं? मार। कहीं उन दो लंबे नाटे की जोड़ी फिर से यहाँ तो नहीं आई थी ना इसके साथ झगड़ा करने के लिए? अरे नहीं नहीं मम्मी, उनकी इतनी हिम्मत हो कि आपके हाथों डंडे खाने के बाद भी ये भैया से लड़ाई झगड़ा करे। तो फिर ये बेहोश कैसे हुआ? ये क्यों आया था यहाँ पर? मम्मी, ये सब बातें हम घर चलकर भी कर सकते हैं, अभी भैया को ले चलते हैं। देवू, देवू बेटा। मेरी प्यारी मम्मी की आंखों में आंसू लाने के बदले तो मैं भी रोना पड़ेगा तमन्नासा, अपने उन चमचों के साथ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि बालवीर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। इसकी याददाश्त वाकई चली गई है कि या फिर ये कोई नाटक है? अरे नाटक कर रहा तो उसे अभिनय के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए महारानी, क्योंकि आपके इतने हमले के बाद भी उसने एक बार भी पलट के हमला नहीं किया। कुछ भी हो लेकिन हमें उसके ऊपर नजर रखनी होगी। मैं ये परमाणु हथियार बनवाने में व्यस्त हूँ और उसके ऊपर नजर नहीं रख सकती। काश इस वक्त कालपरी यहाँ पर होती तो बालवीर के ऊपर नजर रख सकती थी। कालपरी नहीं है तो क्या हुआ तमन्नासा? मैं हूं ना, और है कोई मेरे पास जो बालवीर पर नजर भी रख सकता है और जरूरत पड़ने पर से टक्कर भी दे सकता है? लेकिन ऐसा कौन है जो बालवीर से दुश्मनी लेने के लिए तैयार है? कौन है? तमन्नासा, दुनिया में बुरे लोगों के जितने दुश्मन होते हैं उससे कई गुना ज्यादा अच्छे लोगों के होते हैं। और है एक ऐसा दुश्मन जिसके दिल में आग भड़क रही है बालवीर से बदला लेने के लिए, जो बालवीर के हाथों मारा गया था बगदाद में। बगदाद? बगदाद में? अरे क्या आप भी मरे हुए भूत को बालवीर के पीछे छोड़ेंगे क्या? साफ साफ बताओ बहमार, तुम किसकी बात कर रहे हो? वही जिसे मैंने बगदाद में बनाया था और चाहूं तो फिर से जिंदा कर सकता हूं। कौन?
साहब बीमार। दूसरा जन मुबारक हो नागिनी। मुझे तो लगा था कोई पुल्लिंग है, ये तो स्त्रीलिंग निकली। वो भी सुंदर? सुंदर नहीं तौबा तौबा, अति सुंदर। वो भी जैसे कोई वो अप्सरा। आपने मुझे फिर से क्यों याद किया बेमार? तुम्हारे दिल में जो बदले की आग लगी हुई है उसे बुझाने के लिए। याद है ना बालवीर ने तुम्हारे साथ क्या किया था बगदाद में? मैं तुम्हारी रगों में खून के बदले जहर घोल दूंगी। अरे तुमने और किसी को तो देखा होगा उस वेयर हाउस में? देखा था ना। किसे? भैया को बेहोश देखा था। ए, मेरा मतलब है विवान, किसी और को। वैसे ये सब हुआ कैसे? ये तो आप पता लगाएंगे ना। क्यों? क्योंकि बोले साहब है। हाँ बिल्कुल, मैं पुलिस हूँ, इसलिए तो पूछताछ तुमसे शुरू कर रहा हूँ। भगवान का शुक्र है विवान कि तू सेफ है। अब बस देवू को भी जल्दी से होश आ जाए। भैया को फौरन होश आ जाएगा अगर मैंने प्राण शक्ति दे सकूं तो। मम्मी, मैंने सुना था कि सिर में चोट लगने के कारण कभी कभी अचानक बेहोशी आ सकती है, इसलिए मुझे लगता है कि देवू भैया अगर थोड़े रेस्ट कर लेंगे ना तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। चलिए। अरे 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 बोलो नहीं, सुनो। जब तक देवू होश में आके मुझे माँ नहीं बोल देता ना, तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। स्वागत है तुम्हारा नागिनी। मुझे पता है कि तुम बालवीर की जान लेना चाहती हो, उसे खत्म करना चाहती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। मैं खुद बालवीर को तुम्हारे सामने परोसूंगी। फिलहाल तुम्हें उसके ऊपर नजर रखनी होगी। तो बताओ पृथ्वी के किस कोने में छिपा हुआ है बालवीर? वहीं अपने बिल में, भारत नगर। करुणा जी, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह देख लिया लेकिन कोई नहीं मिला। कहीं भी किधर कुछ भी पता ही नहीं चला। बोलो क्या पता नहीं चला? ये तो इधर ही है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि दोनों सही सलामत है। पर करुणा जी, ये देव ऐसे सो क्यों रहा है? सब ठीक तो है ना? अब आपको क्या बताऊं पद्मिनी जी, जो हुआ है वही बता दीजिए। वो दरअसल देवू। देवू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देव भैया की वजह से उन्होंने एंड टाइम पर मुझे कार के सामने से खींच लिया, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में
उनका एक्सीडेंट कार के साथ हो गया और उस एक्सीडेंट में उनकी मेमोरी लॉस हो गई है। अच्छा अच्छा, इसलिए आप लोग देव को देवू बुला रहे हैं। पण करुणा बेन, साचू कहो तो आपके विवान ने बहुत अच्छा काम किया हो। अरे साचे, आज के जमाने में तो भाई भाई का साथ नहीं देता है, लेकिन विवान विवान ने तो देव को ही अपना भाई बना लिया। क्या हाय लॉर्ड, जो याद आवियो कि करुणा बेन, मैंने एक बहुत अच्छा डॉक्टर को जानती हूँ, पांडे जी नाम है डॉक्टर का। अरे करुणा बेन, वो डॉक्टर नहीं है, साक्षात भगवान है, भगवान। हाँ हाँ हाँ, करुणा जी मेरे पास एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर कर करे ऐसा इलाज करता है, ऐसा इलाज करता है कि पेशेंट पेशेंट के प्राण यमदूत से वापस लेकर आता है। हाँ, मैं नंबर मिला कर देती हूँ, फोन कर लीजिए, उसे बुला लीजिए। लीजिए, इन्हें कैसे समझाओ कि जादू तो मेरे हाथों में भी है, लेकिन कोई अकेला तो छोड़ो हम दोनों को। डॉक्टर पांडे बहुत अच्छा सोच, मेरा डॉक्टर वो मेरा डॉक्टर। अरे मैं बड़ी हूँ कि नहीं, डॉक्टर पांडे, अरे मेरा डॉक्टर, मेरा। अरे साइलेंस, मैं जानता हूँ कि भगवान जैसे अच्छे डॉक्टर और यमराज से पेशेंट के प्राण वापस लाने जैसे डॉक्टर, उन दोनों के बीच में डिसीजन लेना मुश्किल है, लेकिन आपको जो भी डिसाइड करना है ना, बाहर जाकर डिसाइड कीजिए ना कि किसे कॉल करना है किसे नहीं। चलिए करुणा जी, चलिए 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 मेरे साथ चलिए। मैं और परिया मिलकर भी यूरेनियम नहीं ढूंढ पा रहे थे, लेकिन भैया की वजह से हम तिमनासा तक पहुंच गए। ये बाई चांस हुआ है या भैया ने जानबूझ कर किया? पहले मैंने प्राण शक्ति देके ठीक कर देता हूँ। तमनासा के अटैक का असर तो निकाल दिया मैंने, अब बस इन्हें होश आ जाए फिर पूछ लूंगा कि सच क्या है। बस एक बार मैं तमनासा का दिया हुआ काम पूरा कर लूं, फिर तुम्हारी सांसों की गिनती खत्म कर दूंगी मैं बालवीर। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मेरा काम करोगे कि नहीं? नहीं। मैंने तो सुना था कि वैज्ञानिक लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत दिमाग होता है उनमें, फिर ये क्या? तुमने बिना सोचे समझे कैसे जवाब दे दिया? मैं तुम लोगों के लिए परमाणु बम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि करोड़ों अरबों लोगों की जाने जाते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ। मैंने तुम्हें ठीक से नहीं समझाया, या मेरे समझाने में कोई चूक हो गई है ना? तो कोई बात नहीं, अब मैं अपनी गलती सुधार लेती हूँ। अब जब तुम्हारी आंखें धरती को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, तो इन आंखों का क्या फायदा? तुम्हारी आंखें ही निकाल देती हूँ। कौन हो तुम? ये तुम्हारा हाथ नुकीला हथियार कैसे बन गया? कैसे बन गया? इस ताबीज की वजह से बहरानी बहुत कुछ है जो कर सकती है, इसलिए चुपचाप वही कर जो भैरानी बोल रही है। आजा आजा पीछे आजा। आजा।
मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा, मैं वैसा ही करूंगा। शाबाश, अब जाओ और इसे यूरेनियम लाकर दो। जी महारानी। खात्मा तो जरूर होगा तिमनासा, लेकिन अच्छाई का नहीं, तुम्हारा। और जिस शक्ति के हाथों तुम्हारा अंत होने वाला है, वो शक्ति धरती पे सांसें ले रही है। तुम्हारी भविष्यवाणी को मैं झुटला दूंगी सरकार। तुम जिस भी छुपी शक्ति के बारे में बात कर रहे हो, वो इस परमाणु हथियार से धरती के साथ भस्म हो जाएगी। देवू भैया तो आप सेफ हैं, लेकिन इतनी देर में पता नहीं तिमनासा क्या क्या अनसेफ हरकत कर चुकी होगी। मुझे परियों से बात करनी चाहिए। विवान रुको, कहाँ जा रहे हो? आप तो अंतर्यामी है, बिना की को नहीं मुझे देख लिया। अंतर्यामी नहीं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे कदमों की आहट पहचान लेती हूँ। अब जाओ, नहीं रुको। और इधर आ, इधर आ, और इधर आके मेरे साथ भगवान से प्रार्थना करो देवू के लिए। लेकिन मम्मी, अभी थोड़ी देर में दिवाली आंटी या पद्मिनी आंटी के डॉक्टर आते ही होंगे। बोलो नहीं, सुनो, दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत होती है। चलो इधर आओ, अब मेरे पीछे पीछे बोलो, बोलो हे ईश्वर। हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी और मेरे देवू भैया की हमेशा रक्षा करना। बोलो। हाँ, कि मेरी और मेरे देवू भैया की हमेशा रक्षा करना। देवू को होश आ गया, लेकिन वो चिल्ला क्यों रहे? हाँ, चल। देवू भैया, क्या हो? देवू, मैं यहाँ हूँ। देवू भैया, देवू, क्या हुआ? देवू भैया, तुम बेड छोड़कर टेबल पर क्यों चढ़ गए? वो उधर। हाँ? चूहा, चूहा। चूहा? कहाँ है चूहा? वो। ये चूहा। कहाँ है चूहा? अरे मम्मी, वो देखो ना, चूहा है वहाँ पे सच्ची। अरे क्या तुम दोनों एक चूहे से डर रहे हो? अरे कहाँ है, रुको, कहाँ? वो देखिए वहाँ पे। जिस बालवीर के सामने बड़े बड़े विलन डर के मारे चूहे बन जाते थे, आज उसी बालवीर को एक चूहा डरा रहा। नॉट फेयर गॉड, नॉट फेयर। गया चूहा, अब नहीं है। क्या तुम लोग एक चूहे से डरते हो? नहीं नहीं नहीं, चूहे से डर नहीं लगता, वो चूहा है ना, थोड़ी सेफ्टी मेंटेन करनी पड़ती। वरना वैसे हम डरते। अरे अरे चूहा, अरे कुछ नहीं है। अरे भैया फिकर नॉट, अब ब्लैंकेट से बाहर आ सकते हो। चूहा भाग गया। आप जैसे चूहे को देख के सेफ्टी मेंटेन कर रहे थे ना, वैसे ही चूहे ने भी आपको देख के सेफ्टी मेंटेन कर ली है। लेकिन हाँ। चला गया वो। सच्ची? बच्ची? हाँ हाँ, आ जाओ। भगा दिया। गया फिकर ना। गया चूहा। ठीक है सब। थैंक यू विवान, बिल्कुल तूने वो अपने हाथों से जादुई पावर से उस चूहे को भगाया ना। जादुई पावर? हाँ, आपको पता नहीं है, माँ विवान के पास तो एक बहुत ही अच्छा वाला एकदम टाइट कॉस्ट्यूम है, जिसके ऊपर इधर ऐसा कुछ लिखा हुआ भी है। अब भैया वो सब बातें छोड़िए ना, वो सब बातें हो गई सो हो गई। अरे कैसे छोड़ दूँ विवान, माँ को सब सच सच पता होना चाहिए ना। अरे मम्मी को तो सब पता है, मम्मी अंतर्यामी है ना। प्लीज मत बोलिए। नहीं नहीं विवान, माँ अगर आज विवान नहीं होता तो मेरी जान नहीं बचती।
विवान ने मुझे कैसे बताया पता है आपको? वो सुपर हीरो सबको बचाता है ना। भैया आप एक काम कीजिए, आप पानी पीजिए, आपको प्यास लगी होगी ना। हाँ, और विवान जो है ना वो बिल्कुल उस सुपर हीरो, क्या नाम है उसका, बाद में बताना ना, बाद में बताना। बालवीर? हाँ बालवीर, बिल्कुल वो सुपर हीरो बालवीर की तरह, उसका कॉस्ट्यूम भी उसी की तरह था। अरे मम्मी तेरा, और आपको पता है माँ विवान के पास तो वो सुपर हीरो वाली पावर्स भी है। अरे भैया भैया भैया, आपको ना अभी आराम की जरूरत है, डॉक्टर ने दिल लिखा है ना। नहीं नहीं नहीं, अब जल्दी आइए 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 ना, आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है, सो जाइए आप, आप सो जाइए सो जाइए सो जाइए, आपको आराम की जरूरत है। हाँ सो जाइए सो जाइए, चलो तुम आराम करो। मम्मी लगता है कोई आया है, चलिए जाके देखते हैं, आप सो जाइए आराम कीजिए। पहले तो मुझे जरा ये बता, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है देवू? तूने बचाया बालवीर की तरह? मम्मी अब आप ही बताइए, मेरे जैसा ओवर स्मार्ट लापरवाह बदमाश बच्चा बालवीर कैसे बन सकता है भला? हाँ अगर मन में ठान लिया जाए ना तो कोई काम इम्पॉसिबल नहीं। लेकिन मम्मी मैं और बालवीर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर देवू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि हाँ क्योंकि देवू भैया के सर में चोट आई है ना, और याददाश्त में थोड़ा लोचा हो गया है, इसलिए वो सच और सपने में अंतर नहीं कर पा रहे। और कल मैं उन्हें बालवीर के बारे में ही बता रहा था, तो हो सकता है आज वो मुझे ही बालवीर समझ ही रहे हो। फनी ना? हाँ फनी नहीं है ये, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं विवान, बुरी बात। ये क्या गेम खेल रहे हैं दोनों बालवीर? चल वैज्ञानिक, दिखा दे अपने विज्ञान का कमाल। राजा आपको ऐसा नहीं लगता कि फिरानी अपनी शक्तियों और हथियारों से ज्यादा विश्वास धरती के हथियारों पर कर रही है? लगता मुझे ये भी रहा है तबा तबा तिमनासा की दिलचस्पी पृथ्वी को खत्म करने से ज्यादा अपनी जान बचाने में है। लेकिन एक बात तो है, वजह जो भी हो अगर सच कुछ धरती उड़ गई तो छोटे बालवीर के साथ साथ बड़ा बालवीर भी उड़ जाएगा, फिर आप खुले आओ बुराई कर पाओगे खुले सांड की तरह। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो एक बार नागिनी बालवीर का राज पता कर ले फिर उन दोनों को मैं ही खत्म कर दूंगा। अरे अरे ये बैठो बैठो, अरे आराम कर। अरे विवान तुमने माँ से ऐसा क्यों बोला? उन्हें तो सब पता होना चाहिए ना तुम्हारे बारे में। आप प्लीज मम्मी को अभी कुछ मत बताना, मैं ठीक भी मारता हूँ ना तो मम्मी टेंशन में आ जाती है। और अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं गुंडों से लड़ रहा था तो उनकी तो सांस ही अटक जाएगी। हाँ लेकिन गुंडों से लड़ने के लिए वो कॉस्ट्यूम पहनने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं ही बालवीर हूं। तुम्हें बालवीर किससे बनाया? जिस दिन आपकी याददाश्त वापस आएगी आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे बालवीर किसने बनाया।
फिर तो मैं माँ को सब बता देना चाहिए, उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अरे देवू भैया देवू भैया आप, अरे आप इधर आओ। अरे हम मम्मी को ये सब नहीं बता सकते, आपने देखा ना कि वो लोग कितने बुरे लोग हैं, और मम्मी को अगर पता चल गया तो मम्मी की जान खतरे में जा सकती है। और फिलहाल आप बस इतना जान जाइए कि तिमनासा और उसके साथी धरती को खत्म करना चाहते हैं। ओ, फिर तो तुम्हें उन्हें रोकना होगा। लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता, मुझे आपकी भी हेल्प चाहिए देवू भैया। मेरी हेल्प? हाँ, आप बस मुझसे एक वादा कीजिए कि मैं माँ को ये ना बताऊँ कि तुम बालवीर। राइट। ओके। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस सिवान, माँ को सच नहीं बताऊंगा। राम और लक्ष्मण भी दो भाई थे, हम दोनों ने मिलकर रावण को मारा था, और हम भी दो भाई हैं, हम दोनों मिलकर तिमनासा और उसके साथियों को सबक सिखाएंगे और धरती की रक्षा करेंगे।